असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे बहुत इंतज़ार है आपको वीडियो का बहुत से लोगों की कमेंट्स में बताने के लिए बहुत शुक्रिया आज का ख़ास जो नक्श है अल्लाह के नाम का और जो ख़ास ज़िक्र है अल्लाह के नाम का और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क की बारिश है अल्लाह के कलाम की और आज इस अमल में कुछ ऐसा ख़ास है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे एक बहुत पोशीदा राज अल्लाह की राह का मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले नबी पाक अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं पर एक बात याद रखें जब हदीस शुरू की जाती है तो जो भी सुनने वाले होते हैं तो इतनी सी बस एक छोटी सी बहन की गुजारिश है मैं स्वाब के लिए अल्लाह मुझे दे या ना दे आपको ज़रूर दे लेकिन द्रो ज़रूर पढ़ दिया करें द्रो की अपनी एक खूबसूरती है द्रो की अपनी एक ताकत है आप अलैहि वसल्लम की नसीहत आज मैं आपको बताऊंगी अल्लाह ताला की ताज़ीम करो और इसके सामने सर झुकाओ अल्लाह ताला तुम्हारी मगफरत फरमा देंगे सुबह ख़ान अल्लाह पाक से जब आप दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं रिस्क की तंगी की वजह से खैर बरकत ना होने की वजह से परेशानियाँ तो आती हैं घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं माँ बाप से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं माँ बाप आपस में भी लड़ना शुरू हो जाते हैं औलाद परेशान हो जाती है माँ बाप का अदर व अहतराम जनता है अदब एहतराम ख़त्म हो जाता है माँ बाप से बच्चे लड़ने लग जाते हैं माँ बाप परेशान हो जाते हैं तो अल्लाह पाक देखें जब आप फजूल खर्ची करते हैं तो अल्लाह पाक इस चीज़ को पसंद नहीं करते तो अपने कारोबार को बुलंद करने के लिए ना अल्लाह की राह चुने हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर कहते हैं अल्लाह से दुआ करें ठीक है तो हम आपकी मेडिसिन करें तो मैं भी यही कहती हूँ कि अगर आप हमारे मदरसे में आए हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह पाक आपकी सुन रहे हैं अलहद आज एक नक्श की ताकत का अमल बहुत ही ख़ास इस नक्श को किसी की दुकान में कारोबार नहीं किसी की दुकान में रिस्क की तंगी है किसी की दुकान चल नहीं रही इस नक्श की फ़ोटो कापी करवाएँ इसके ऊपर आपने एक बार सूर्य कोसर पढ़नी है नक्श के ऊपर और अपने दोनों हाथों पर दम करना है दम करने के बाद अपने पूरे जिस्म पर सुरे कोसर के हाथ जिन पे दम किया हुआ था वो लगाने हैं और इसको सूर्य कोसर का दम करके अपनी दुकान में लेमिनेशन करवा के या जैसे मोम जामा होता है कोई जैसे लेमिनेशन होता है शॉपर होता है वो चढ़ा कर कीलों से बेशक लगा लें जिस घर में रिस्क की तंगी है जिस घर में रिस्क नहीं है दौलत नहीं है फाके हैं परेशानी है सुबह उठ जाते हैं काम पर रिस्क नहीं मिलता यहाँ तक के रेड़ी वाले भाई जो फल लगाते हैं जो सब्ज़ियाँ लगाते हैं इस नक्श को तैयार करें वो और कुछ ना करें बस एक नक्श तैयार करके अपने पास रख लें एक ही दफ़ा पूरी ज़िंदगी के लिए एक दफ़ा सूर्य को असर पढ़ के नक्श पर दम करें नक्श को कीलों से कीलों से आप जो इन सहना चाहो कीले कोने पर लगा के ना एक एक इधर लगा दें एक इधर लगा दें एक इधर इस तरह लगा के ना अपनी दुकान पर लगा लें इसको फोटो कापी करवा लें इसको मुझसे बनवा लें इसको मैं बना कर दे दूंगी नक्श तो ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे बहन भाइयों एक दफ़ा बहन को याद तो करके देखें अल्लाह का नाम अल्लाह का नाम अल्लाह का ज़िक्र इसका भी आप तरीका सुने ये तो आपके कारोबार का हो गया दुकान का हो गया जॉब का हो गया रेडी वाले भाई हो जाते हैं जिनके कारोबार नहीं चलते जिनकी दुकानें नहीं चलती जिनके घर में रिस्क सुबह जाते हैं अख्वार होते हैं गर्मी में तकलीफ़ में परेशानी में बुखार में जाते हैं लेकिन रिस्क नहीं आता थोड़ा आता है लोग नहीं आते लोगों की भरपाड़ नहीं होती लोग आते हैं चले जाते हैं चीज़ें नहीं सेल होती चीज़ें बिकती नहीं ये नक्श बस ये नक्श पढ़ना कुछ नहीं नक्श तैयार करना है ये अपने पास रख लें बस रख लें दुकान पे लगा लें जहाँ आपको मुनासिब लगता है इसका इस्तेमाल घर में भी कर लें घर में तंगी है घर में इसको इस्तेमाल बच्चे नाफरमान हैं इस नक्श का इस्तेमाल करके एक दफ़ा घर में भी इसको लगा लें फिर देखें इस नक्श की ताकत देखिएगा फिर तीसरे दिन फ़र्क ना ना पड़े तो फिर बहन को कहिएगा या अआवा या काफ़ी या अआवा या काफ़ी तैतीस बार पढ़ना है एक बर्फ़ी ले लें बर्फ़ी का टुकड़ा ले लें रद, कोई मीठा ले है मीठा ले है बर्फ़ी का टुकड़ा ले लें कोई भी ऐसी चीज़ ले लें अब अब आपने मीठी चीज़ लेनी है ठीक है अब या अल्लाहू या काफी तो बर्फ़ी का टुकड़ा लेना है आपने ठीक है उसके बाद जब बर्फ़ी के टुकड़े पे या अल्लाहू या काफ़ी का तैतीस बार ज़िक्र कर लें ना एक बार द्रोशी पढ़ के तो फिर आपने कहना है या ज़िब्राइल या जब्राइल या जब्राइल तैतीस मरतबा अल्लाह का ये नाम अव्ल आख द्रूजि के साथ फिर आपने पढ़ना या जब्राइल या जब्राइल या जब्राइल अल्लाह के हुक्म से अब तो आ जा रात तक फ़रिश्ते आपके घर में रिस्क लेकर हाजिर हो जाएंगे रिस्क के बोरिये लेकर आपके घर में हाजिर हो जाएंगे जब आप पुकारते हैं किसी पुकारने वाले को तो वो सुनते हैं ना इसी तरह जब हम फरिश्तों को पुकारते हैं ना वो सुनते हैं जब नमाज पढ़ते हैं फरिश्ते होते हैं कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते होते हैं घर के अंदर रहते हैं फरिश्ते होते हैं हर जगह फरिश्ते मौजूद होते हैं फिर, 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 तो तो फिर है। आपने या जब्राइल या जिब तीन मरतबा इन फरिश्तों को पुकारना है ये आपके अल्लाह पाक इनको हुक्म देंगे या अल्लाह या काफी कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है या जब्राइल अल्लाह पाक इनको हुक्म देंगे या आपके घर में रिश्त की इतनी बारिश कर देंगे कि आपकी सोच है ये अमल करना है अब जब आपने ये बर्फ़ी बर्फ़ी पे दम कर लिया अल्लाह के नाम का अब बर्फ़ी का क्या करना है अब बर्फ़ी को ना आपने किसी घर में छोटे बच्चे को छोटा बच्चा हो नाबालिग हो उस बच्चे को खिला देनी है उसको खिला करना जो बात मनवानी है ना मनवा लें जो बात मनवानी है मनवा लें कारोबार नहीं है परेशानी है दुख है तकलीफ़ है बीमारी है कोई इतनी इतनी मुसीबत बड़ी है ना उसको बस के ये ये बर्फ़ी खाओ और दुआ कर दो दुआ उसी वक्त उसी लम्हे कबूल होगी कोई भी ये 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 अमल इतना बड़ा फरिश्तों का अमल है ना कि आपकी सोच है नक्श मुबारक की अपनी एक ताकत है सूर्य कोसर पढ़कर इसके ऊपर दम करने की एक ताकत है अल्लाह के नामों की अपनी एक ताकत है एक दफ़ा मेरे कहने पर कोई परेशानी हो जल्दी हाजत को पूरा करना हो तो बर्फ़ी बच्चे को खिला दें छोटे बच्चे को खिलाना दस साल से जो से छोटे बच्चे होते हैं ना उनको खिला दें अल्हमदिल्ला आपका मसला हल हो जाएगा मुश्किल तो उसी वक़्त ही अल्हम्दुलिल्लाह शादी नहीं हो रही ना किसी बच्ची की आप वो वो बच्चे से दुआ करवा लें शादी नहीं हो रही कारोबार नहीं चल रहा कारोबार शुरू करना है बच्चे से बर्फ़ी खिला कर ना अल्लाह का कलाम पढ़ के जिस तरह मैंने बताया है बच्चे को बर्फ़ी खिला दें अल्हम्दुलिल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा मेरे तमाम वीडियो जो उनसे हैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे बहुत मुश्किल से आ, कोशिश की जा रही है काविश की जा रही है और आप लोगों से इतनी सी गुजारिश की जा रही है कि अगर ये पसंद आ रहे हैं हमारी हौसला अफज़ाई करें ताकि हम मज़ीद आने वाले दिनों में और अच्छी वीडियो बनाएं अगर आप कोई अमल पूछना चाहते हैं या उसके बारे में वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं आप बताएं मैं अपने भाई बहन के लिए हाजिर इन शब्बैक बोला जाएगा और इन शाला उनके बताए हुए कोई बात भी होगी उस पर अमल किया जाएगा और अमल बताया भी जाएगा इन शाह ती के साथ इजाज़त दें जजाकल्ला अलैकुम प्यारे बहन भाइयों तो अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप, आप फेसबुक को, को फॉलो कर सकते हैं।, हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर हम सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वारदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तारा भी करवा सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबता करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जजाकला